Vidya! Vidya, विवेक जी का फोन है। विद्या जी, अब बुक्स को बंद करके रख दीजिए। एग्जाम से पहले मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी होता है। विवेक जी, हमने पढ़ाई तो पूरी कर ली पर हमें बहुत घबराहट हो रही है। विद्या जी, एग्जाम से पहले ऐसे ही लगता है। पर आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। पिछले 6 महीनों में आपने जितनी मेहनत की है ना, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। विद्या जी, फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें कब से इंतजार था। आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं विद्या जी, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद्या जी, कल से आपके 10th के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और इस एग्जाम से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जी विवेक जी, और ये नई शुरुआत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपने जो भरोसा दिखाया हमारे ऊपर, हम उस भरोसे को कभी नहीं टूटने देंगे। जय दुर्गा मैया। दुर्गा मैया तुम्हें सफल करे, तुम्हें परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। खुश रहो मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। अच्छा विद्या, ये लो, इस बैग में ना पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। और हाँ, इसमें मेरा लकी पेन भी है, वो पक्का यूज करना। थैंक यू महक जी। यू आर वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुश रहो बहू, खुश रहो। ओ विद्या, हमको एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। बाय विद्या, ऑल द बेस्ट। विद्या, सबसे पहले गेट पे तुमसे वो लोग आईडी कार्ड मांगेंगे, ठीक है? इसको दिखा देना। अंदर जाने के बाद जैसा हमने बोला है वैसा ही करना। दिल्ली एयरपोर्ट पे तुमको लेने के लिए विवेक जी आ जाएंगे। अब जाओ। अब तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? भैया, वो इतना बड़ा हवाई जहाज ये हवा में कैसे उड़ता है? वो ज्यादा हिलता तो नहीं है ना? भैया, हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा लोहे का मशीन, उसमें इतने सारे लोग, ऊपर से सबका सामान, इतना सारा बोझ लेके ये हवाई जहाज कैसे उड़ता है? विद्या, अगर तुमको इतना सारा डिटेल बताने बैठेंगे ना
तो हवाई जहाज हवा में और तुम जमीन पे ही रह जाओगी, समझी? इसलिए जल्दी निकलो, फ्लाइट पकड़ो, समझ गई? और सुनो, अपनी बुक निकाल के रिवीजन कर लेना। हाँ ठीक है, ये बोर्डिंग पास है, ठीक है, अब जाओ। अब का छूट गया, आपका आशीर्वाद। भैया अब आपका आशीर्वाद मिल गया है ना, तो हमें प्लेन में डर नहीं लगेगा। जय बजरंगबली। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ अब जाओ। विवेक जी ये हम कहाँ हैं? विद्या जी इस बिल्डिंग में मेरे दोस्त का घर है और मुझे लगता है कि आपको इन कपड़ों में एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। मैंने कपड़ों का अरेंजमेंट कर लिया है, वैसे अभी आधा घंटा है हमारे पास, आप टेंशन मत लीजिए। गुरु अपनी खबर लगता है दिल्ली तक पहुंच गई है, आप एक काम क्यों नहीं करते, कुछ दिन के लिए अपने गांव नेपाल चले जाओ, हमारा मतलब है कि अंडरग्राउंड हो जाओ, मामला थोड़ा टाइट लग रहा है। पूरा बिजनेस खत्म कर दिया हमारा उसने, आई एम फिनिश्ड, सड़क पे आ गया, पर अब जाएं कैसे? ये तो वही है विद्या सिंह, ये औरत यही है जिसने हमारा बिजनेस फिनिश कर दिया। आप तो कह रहे थे कि ये टीचर है, और यहाँ क्या कर रही है, कहीं आपका पता लगाने तो नहीं आई है? ये आदमी इसके साथ पुलिस वाला तो नहीं है? ये मैडम आपके पीछे पड़ गई है का? पीछे तो अब हम इसके पढ़ेंगे, अब हम इसको सिखाएंगे सबक, टीच हर फाइनल लेसन। आगे से लेफ्ट। ये पुलिस वाला तो नहीं लगता है, वरना इसे घर के अंदर। हाँ कोई रिलेटिव लगता है। आंटी जी ए बुढ़िया कौन है ये? तुम जाके देखो इसे और यहाँ से जल्दी जाने को कहो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। सारी पुलिस हमारे लिए ताक लगाए बैठी है। हमारे परिचित के रिश्तेदार है। अच्छा तू अब तू बाहर जा, जाकर देख के आ कि क्या करने आई है यहाँ पे, हा? और उसे यहाँ से जल्दी से भेज जा। आंटी जी दरवाजा खोलो, हमको महक को यहाँ का हाल बताना होगा ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, और उसके लिए हमें ही बाहर जाना होगा। अरे भैया ये गलती मत करना, बेचारी चाची बहुत भोली भाली हैं, बात बात में मुंह से निकल गया तो, समझ रहे हो ना? और इनको देखो, आंटी जी दरवाजा खोलो, इनको देख के ही लग रहा है कि डरे हुए हैं, और वो लड़की बहुत तेज है, देखते ही समझ जाएगी कि माजरा क्या है। तो अब तू ही जाएगा? हम नहीं जाएंगे। तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, जाओ और जल्दी से जाके उसे भगाओ, तू नहीं जाएगा। अब बोल जाएगा कि नहीं जाएगा? आंटी जी ठीक है जाते हैं हम। आंटी जी आंटी जी
जा, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, मेरी नजर तुझ पे रहेगी हमेशा। चल जा, जा।